हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के शेयर में काफी दिनों से एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो शेयर लगातार नीचे टूट रहा है, लगातार इसमें गिरावट आ रही है। आज अगर हम देखें तो आज भी यहाँ पर तकरीबन 7.5% से लेकर 8% की गिरावट है। कल भी इसमें 8-9% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 40% का ग्रोथ जरूर है। 36 रुपए से उठ के शेयर सीधा 60 रुपए तक पहुंचा, लेकिन पिछले 2 दिनों से वही 60 रुपए का शेयर आज 52 रुपीज तक पहुंच चुका है। वीडियो में हम बातचीत जरूर करेंगे कि क्या अब यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अदानी पावर की। 52 रुपी का ये शेयर है, आज तकरीबन 8% की गिरावट है, टूट रहा है ये शेयर। पिछले एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में हालांकि 12% की गिरावट है। आप देखिए, जो प्री कोविड लेवल था वो 65 रुपए का था, कोरोना के चलते 25 रुपए तक शेयर टूट गया। तेजी आई, देखिए आप यहाँ पर देखिए तेजी आई थी, दोबारा अगर मैं आपको ठीक से दिखा सकूँ, यहाँ पर तेजी आई थी, शेयर सीधा पहुंच जाता है उस तेजी में 32 रुपए से भी ऊपर, 35 रुपए के आसपास शेयर पहुंचता है। बाद में दोबारा गिरावट आती है, 30 रुपए से भी नीचे शेयर टूट जाता है। फिर तेजी आती है, 40 रुपए तक जाता है। फिर गिरावट आती है, 34 पे आता है। फिर तेजी आती है, 40 रुपए तक जाता है। फिर गिरावट आती है, 35 रुपए तक शेयर आता है। उसके बाद एक बड़ी रैली इसका इंतजार कर रही होती है जो उसको 60 रुपए तक लेके जाती है। अब फिर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई है, मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन की मुनाफा वसूली जो है वो और चल सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा हमें रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में देखेंगे तो 24 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली है। दोस्तों, सबसे बड़ी होल्डिंग है वो गौतम अदानी के पास है, 36.43% की होल्डिंग है, और हालांकि 30% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम और 118 जितने एफआईआईएस का पैसा लगा हुआ है। अदानी पावर की टेक्निकल रेटिंग अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, अभी भी शेयर में रौनक देखने को मिल सकती है, अभी भी यहां पर तेजी आ सकती है। एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की नसीहत यहां पर दे रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिसने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया है, 2,228 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कमाया है, जबकि उससे पहले के जो 4 क्वार्टर थे वो बहुत बुरे रहे थे इनके लिए। जून 2020 में 680 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 1,312 करोड़ का लॉस, उससे पहले 702 करोड़ का लॉस, और उससे पहले सिर्फ 3 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट था। तो अब ये जो 2,228 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है वो डेफिनेटली बहुत ही बेहतर है, और उम्मीद करते हैं कि जो मोमेंटम है ये और भी जारी रह सकता है आने वाले दिनों में। रीजन ये है कि एक के बाद एक इस कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि ये 2 हफ्ते पुरानी खबर है, लेकिन खबर खबर होती है। आप देखिए, अदानी पावर विन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 6,100 मेगावाट टू पंजाब। पंजाब को इतनी बड़ी मेगावाट की जो जो सप्लाई है वो अदानी पावर के द्वारा फुलफिल की जाएगी। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम सब जानते हैं कि अदानी अगर हम देखें तो एक के बाद एक अलग अलग स्टेट्स में इनके नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, एक के बाद एक अलग स्टेट्स में इनको मंजूरी मिल रही है कामकाज करने के, बिजनेस करने के, पावर प्लांट सेटअप करने के, और ये एक बहुत ही बड़ा मेजर टर्न अराउंड है। जिस तरीके की, देखो मैं आपको काफी अरसे से कह रहा हूं, ठीक है, कि जिस तरीके की तेजी आपने अदानी गैस में देखी, जिस तरीके की तेजी आपने अदानी ग्रीन में देखी, उसी तरीके की तेजी आपको आने वाले दिनों में अदानी पावर में देखने को मिल सकती है। अदानी ग्रीन में बहुत बड़ी तेजी आई, तब मैंने कहा था कि अदानी ग्रीन में जो तेजी है
वो आपको अदानी गैस में देखने को मिल जाएगी। और वही हुआ, 180 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 350 रुपए से भी ऊपर निकल गया। और उसके बाद मैंने कहा था कि जैसी तेजी अदानी गैस में है वैसी अदानी पावर में आएगी, और वही हुआ, 36 रुपए का शेयर 60 रुपए के आसपास निकल गया। हालांकि अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, 52 रुपए पर शेयर है, और अभी एक दो दिन शायद थोड़ी और गिरावट रह सकती है, लेकिन दोबारा ये शेयर मोमेंटम गेन करेगा और तेजी देखने को मिलेगी। जब 36 रुपए शेयर 60 रुपए तक गया था तो कोई खास रीजन नहीं था, कोई बड़ा रीजन नहीं था। रीजन सिंपल था कि देखो अदानी के शेयर भाग रहे हैं और इसमें भी इसी के चलते तेजी देखने को मिल रही है। और जो फ्यूचर स्पेकुलेशन जो है वो यही कहते हैं कि जिस तरीके से बिजनेस अदानी सेटअप कर रही है अपना बाकी स्टेट्स में, उस तरीके से देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ है, जो अजम्पशन है ग्रोथ का, वो भी काफी ज्यादा रह सकता है। तो इसी के चलते तेजी देखने को मिली है, गिरावट इसीलिए है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है पिछले 2 दिन से। लोगों ने पैनिक में आकर बेचना शुरू किया, पहले दिन की गिरावट थोड़ी लाजमी थी क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट बुक काफी दौड़ चुका था ये शेयर। आज की ये जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि पैनिक है, लोगों ने फटाफट फटाफट बेचना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि अब दोबारा तेजी की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ेगा। तो मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आपने खरीदा है तो बेचने की गलती मत करना। हो सकता है कि शेयर 50 रुपए तक भी चला जाए, हो सकता है कि शेयर 48 रुपीज तक भी चला जाए, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करेगा और दोबारा बाउंस बैक करके ये शेयर दोबारा 60 रुपए तक जरूर पहुंचेगा। तो इसीलिए मेरी बेचने की तो सलाह नहीं है, लेकिन ये जो गिरावट आई है उसका अगर आप चाहें तो फायदा जरूर उठा सकते हैं कि थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूं मैं कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे क्वांटिटी खरीदना मत। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है, अगर आपका नजरिया कम से कम अभी 6-7 महीने और यहाँ बने रहने का है, तो आपको इस गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिल जाएगी। मेरी तरफ से अदानी पावर में बने रहने की सलाह है। फ्रेश बाइंग पे अगर आप करना चाहो तो 50 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो। 52 पे अभी भी मेरी बाइंग, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस है, तो 50 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पर आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगेन कहूंगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड मत करना, एवरेजिंग करना है आपको, ये सोच कर ही खरीदारी करना। और मुझे लगता है कि अभी भी 6-7 महीने तक ये शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म में अदानी पावर में 60 रुपए का टारगेट है, लॉन्ग टर्म में ये 75 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो बने रहे, गिरावट आई है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब शेयर इतना दौड़ जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रुकता जरूर है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती जरूर है, ये लाजमी है, और वही यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे दोबारा से ये शेयर 50 रुपए के बाद एक दोबारा बाउंस बैक के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चाहे पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।